दोस्तों कई बार हम लोग नॉलेज की डेफिशिएंसी की वजह से ब्रेकफास्ट के टाइम कुछ गलतियां करते हैं। बहुत लोग हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, सुबह की भाग दौड़ में ब्रेकफास्ट टोटली अवॉइड कर देते हैं। किसी फूड में कुछ ज्यादा होता है, किसी फूड में कुछ कम होता है, इसलिए हम लोग को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। दोस्तों जो ब्रेकफास्ट होता है, जो नाश्ता होता है, हमारे सुबह का सबसे पहला मील होता है और कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है। दोस्तों कई बार हम लोग नॉलेज की डेफिशिएंसी की वजह से ब्रेकफास्ट के टाइम कुछ गलतियां करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ पे डिट्रीमेंटल इफेक्ट हो सकता है, कुछ दुष्परिणाम हमारे हेल्थ पे हो सकते हैं जो कि टोटली अवॉइडेबल है। दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि क्या हम लोग गलत डिसीजंस काफी फ्रीक्वेंटली ले लेते हैं। तो आइए दोस्तों बगैर किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। अर्ली मॉर्निंग में दोस्तों अल्कोहल तो टोटली अवॉइड करना है, तो जानते ही हैं भाई, ये तो अगर हैबिट है तो आप लोग को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को, किसी अच्छे गैस्ट्रो के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि ये जो आपकी बुरी आदत है ये हट जाए। उसके अलावा दोस्तों बहुत लोग हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, सुबह की भाग दौड़ में ब्रेकफास्ट टोटली अवॉइड कर देते हैं। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट एज अ मील स्किप करना कभी एक आध बार चलता है, बट रेगुलरली इस मील को स्किप करना अच्छा डिसीजन नहीं है, गलत डिसीजन है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि ब्रेकफास्ट जरूर लेना चाहिए, और मैं अच्छे ब्रेकफास्ट क्या होते हैं उस पर ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल में बना चुका हूं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये रिपीटेटिव ब्रेकफास्ट, एक ही तरह का ब्रेड टोस्ट रोज खा के जा रहे हैं, एक ही तरह का ब्रेकफास्ट रोज ले लेना एक गलत डिसीजन है। दोस्तों हम लोग की लाइफ में एक बैलेंस डाइट का जो कॉन्सेप्ट है कि हम कभी ये चीज खाएं, कभी ये चीज खाएं, ताकि हर फूड कोई भी परफेक्ट फूड नहीं होता है, कोई भी ऐसा फूड नहीं होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। किसी फूड में कुछ ज्यादा होता है, किसी फूड में कुछ कम होता है, इसलिए हम लोग को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा हर प्रकार का फूड हम लोग को लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट में वैरायटी होना इसलिए बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। दोस्तों फिर हम लोग को फ्राइड फूड, सुबह सुबह अगर आप फ्राइड फूड खा लेंगे तो ये बहुत ही गलत डिसीजन है। आप छोला भटूरा खा ले रहे हो, आप पकौड़ी खा ले रहे हो, महाराष्ट्र के लोग वड़ा पाव खा ले रहे हैं, नॉर्थ में पूरी सब्जी खा ले रहे हैं, तो ये सब जो डिसीजंस हैं ये बैड डिसीजंस हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और वंस अ वाइल चलता है, कभी कभी चलता है, मैं कभी ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम ह्यूमन बीइंग ही ना रहो, तो वंस अ वाइल चलता है, बट ये सब चीजें रेगुलर करने से हमारे हेल्थ पे इल इफेक्ट्स आ सकते हैं। फिर दोस्तों ये जो व्हाइट ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड मैं रिपीटेटिव ब्रेकफास्ट की बात भी कर रहा था, और व्हाइट ब्रेड इन इटसेल्फ अगर आप ले भी रहे हैं तो ये अच्छा नहीं होता है हमारे हेल्थ के लिए। कुछ लोग पाव भाजी, पाव काफी खाते हैं, वड़ा पाव हो गया, पाव भाजी हो गया, तो ये भी अच्छी चॉइस रेगुलरली नहीं है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नहीं होते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एम्प्टी कैलोरीज होती हैं इसमें, तो ये सब हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अगला अगर बात करें, बहुत सारे सीरियल्स अवेलेबल हैं, सीरियल्स आते हैं मिल्क में डाल के लोग ले लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चॉइस नहीं होती है ब्रेकफास्ट के लिए। शुगरी होते हैं, इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत अच्छा हेल्थ के लिए नहीं होता है। फिर दोस्तों स्वीट्स ज्यादा खाना, सुबह सुबह पेस्ट्री, आप चाय के साथ पेस्ट्री ले रहे हैं, केक ले रहे हैं, टी केक्स आते हैं, तो ये सब भी अच्छे डिसीजंस नहीं है। शुगरी फूड्स एज अ फर्स्ट मील इन द मॉर्निंग हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि तुरंत हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ा देता है और हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हेवायर कर देता है, इधर उधर वो सारा चीजें डिस्टर्ब कर देता है, तो दोस्तों ये भी अवॉइड करना चाहिए। और सोडाज जो आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है ये भी टोटली अवॉइड करना चाहिए, ये तो बहुत ही ज्यादा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इल इफेक्ट्स होते हैं, एकदम समझ लीजिए कि कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, और टोटली हम लोग को ये ब्रेकफास्ट में तो क्या है ये टोटली हम लोग को अपने लाइफ से अवॉइड करना चाहिए। जो अपने कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक जो पॉपुलरली कहते हैं, इसको हम लोग को टोटली अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन जाके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।